नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इस लॉकडाउन में कहीं पर फंसे हुए हैं, आपका भाई रिश्तेदार या फिर कोई भी फैमिली वाला फंसा हुआ है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अनुमति दे दिया है कि जितने भी प्रवासी लोग, मजदूर लोग बाहर में फंसे हुए हैं, शहर में फंसे हुए हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जो जारी किया गया है, इसमें क्या क्या शर्तें लगाई गई है और कौन कौन से लोग अपने घर पे आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे कर लें और बगल के घंटी को दबा लें, क्योंकि जो भी खबरें आएंगी, चाहे मोदी सरकार की तरफ से योजना से जुड़ी हो, रेलवे से जुड़ी हो, लॉकडाउन से जुड़ी हो, जो भी खबरें होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में बड़ा सवाल, केंद्र से अनुमति के बाद भी बिहार में कैसी होगी छात्रों मजदूरों की वापसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के 35 दिन हो गए हैं और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शर्तों के साथ राज्यों को अनुमति दे दी है कि वे अपने राज्य के फंसे लोगों को वापस बुला सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से लोगों को तो राहत मिल रही है, लेकिन सरकार के सामने चिंता का विषय यह है कि लाखों लोगों को आखिर कैसे लाया जाएगा। बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा। तो आपको बताना है कि केंद्र की ओर से अनुमति मिलने के बाद राज्य से बाहर फंसे मजदूरों और छात्र छात्राओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के घर वापसी का रास्ता आसान नहीं है। हालांकि बिहार का कहना है कि इस मामले में मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कर फंसे लोगों को वापस लाने की रणनीति तैयार की जाएगी और जितने भी लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बिहार वापस लाया जाएगा, यूपी वापस लाया जाएगा, मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा। जितने भी राज्य के सभी लोग फंसे हुए हैं, जहाँ कहीं से भी फंसे हुए हैं, जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार अपनी अपनी बसें या फिर कोई भी अपना पर्सनल गाड़ी भेजकर सभी को बुलाने वाली है। सभी लोगों को बस से ही लाया जाना है, इसलिए सरकार उन तमाम राज्य सरकारों से बात करेगी जहाँ बिहार के लोग फंसे हुए हैं। यानी कि अगर आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, चेन्नई में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कहीं पर भी हैं आप फंसे हुए हैं, तो बिहार सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेगी और अपना स्पेशल बस वहाँ पर भेजेगी और आप वहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे लोगों को स्वास्थ्य जाँच के बाद भी भेजा जाएगा। सबको बस में लोगों को बैठाने से पहले और फिर उन्हें उतारने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अगर उनमें से किसी को भी बीमारी के लक्षण पाई जाती है तो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, रेलवे की पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को दबा के रखें, क्योंकि जो भी खबरें आएंगी आपकी काम की ही होगी।